हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए एग्जांपल नंबर 27 हमने कल ये सिद्ध किया था। इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, एरर फंक्शन एफ, ठीक है, एरर फंक्शन किसका, रूट टी का, 1/p अंडर रूट पी प्लस 1। कल हमने ये सिद्ध कर लिया और इसकी हेल्प से आज हमें ये सिद्ध करना। तो इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तो इसकी वैल्यू निकालना और फिर मल्टीप्लाई टी वाला रूल लगा देना। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए वी हैव एरर फंक्शन कितना, 2√t को देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एरर फंक्शन, बताइए भाई 4t लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, जो 2 है उसे रूट के अंदर ले गए। अब आपने एक रूल पढ़ा होगा, लाप्लास ऑफ एफ ए टी, नहीं पढ़ा आपने, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, कितना, 1/a लाप्लास ऑफ एफ टी, और टी की जगह क्या रख देंगे, वो पी की जगह क्या रख देंगे, p/a। या मैंने आपको ये भी बताया डायरेक्ट, आप भैया ऐसे भी कर सकते हैं, f p/a भी यूज कर सकते हैं। तो ये बराबर, इसको एफ पी बोल देना, से इसको हमने एफ पी कह दिया, ब्रैकेट में ऐसा लिख देना इसको। तो ये बताइए इसमें लगाइए बाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, बाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी कितना आएगा, इसमें लगाना भाई ए टी की जगह कौन है, 4 है भाई, ए की जगह कौन है, यहाँ पे 4 है, तो कितना आएगा, 1/4 आएगा, और एफ पी अपॉन कितना आएगा, 4, ठीक है। तो यहाँ से बताओ भाई, जब ये एफ पी के बराबर है और हमें मान किसका निकाल लेना है, यहाँ पे एफ पी अपॉन 4 का, तो एफ पी अपॉन 4 का मान बताइए इससे भाई, 1/4 तो कितना, 4, 1/4 पी की जगह क्या रिप्लेस कर दीजिए, p/4, तो कितना आएगा बताइए, p/4 आएगा, अंडर रूट p/4 प्लस 1, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 एलसीएम लीजिए, रूट से बाहर ले जाके ऊपर ले जाइए, 2 हो जाएगा, p हो जाएगा, अंडर रूट कितना आएगा, p+4। तो ये वैल्यू किसकी आई, एरर फंक्शन 2√t की वैल्यू आई है, और हमें तो वैल्यू किसकी निकालनी, इसकी निकालनी और ये सिद्ध करना, ठीक है। तो इसमें हम t से मल्टीप्लाई करके करेंगे। अब तो जब t^1 है तो कितनी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, एक बार, बट t^ जितनी होती है उतनी बार डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, इतना नोट करिए। ठीक है, तो ये हमें क्या करा, ये हमने इसका लाप्लास निकाला, लाप्लास भी लिखना भैया इसका, भाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में लाप्लास भी तो होना चाहिए ना, तो यहाँ पे लाप्लास और लिखना, लाप्लास और लिखिए, और इसका लाप्लास, फिर यहाँ पे लाप्लास नहीं आएगा, फिर ये सही है। तो ये हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला, ठीक है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला। अब मल्टीप्लिकेशन बाय टी वाला रूल लगा दीजिए, है ना, कर लिया होगा सबने। चलिए, तो अब हमें सिद्ध करना, जो ये उधर दे रखा है ये सिद्ध करना। तो इसे सिद्ध करने के लिए लिखेंगे, रूट है, ये रूट है सारा, कहीं गामा तो है ही नहीं, गामा तो मैंने बोला ही नहीं कहीं भी। वी नो दैट, वी नो दैट लाप्लास ऑफ किसका, टी इंटू एरर फंक्शन 2√t का, तो टी की पावर कितनी, 1, तो -1 की पावर 1 आएगा, कितना आएगा, -1 की पावर 1, कितनी बार डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंशिएशन किसका,
लाप्लास ऑफ एरर फंक्शन किसका, टू रूट टी का, ठीक है। तो टू रूट टी का इसका मान रख दीजिए, तो ये माइनस के डी बटे कितना डी पी, लाप्लास तो हम निकाल ही चुके, ये कितना था, ये टू अपॉन कितना पी अंडर रूट पी प्लस फोर, सिद्ध वो करना है इसमें, तो इसे भाग विधि से इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, भाग विधि से इसका अवकलन कर दीजिए, तो ये कितना आएगा बताइए, माइनस, चलिए करिए इसे ऐसी रखेंगे ना, पी अंडर रूट पी प्लस फोर को ऐसी रखेंगे, दो का करेंगे तो कितना हो जाएगा जीरो, माइनस दो को ऐसी रखेंगे, इसका फर्स्ट सेकंड से करना, पी ऐसा ही, इसका करेंगे तो कितना वन अपॉन टू पी प्लस फोर, फिर प्लस आएगा, प्लस किसको ऐसी रखेंगे भाई, इसका कर रहे हैं हम गुणा विधि से, हाँ कितना अंडर रूट पी प्लस फोर, पी का करेंगे वन आएगा, और नीचे सारे का क्या आएगा होल स्क्वायर, ठीक है, पी प्लस कितना फोर है, पी प्लस फोर नीचे सारे का होल स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पी का स्क्वायर आएगा एक, तो और बताइए कितना पी प्लस फोर आ जाएगा, दो से दो की गुना कर लीजिए अंदर, तो ये तो सारा क्या हो गया जीरो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, दो के अंदर गुना करेंगे तो कितना बचेगा ब्रैकेट में, ये पी बटे पी प्लस फोर, हाँ प्लस ही बचेगा, कितना टू अंडर रूट पी प्लस फोर अपॉन पी स्क्वायर इंटू पी प्लस फोर, अंडर रूट में है ना, ये एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो यहीं आ जाएगा ये, तो ऊपर बताइए कितना बच जाएगा, पी बचेगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो रूट हट जाएगा, दो के अंदर गुना कर दो टू पी प्लस एट हो जाएगा, और अपोन में कितना पी स्क्वायर, एक ही आएगा, आधी पावर इसकी है एक पावर इसकी है, तो जुड़ कर कितनी हो जाएगी पी प्लस फोर की पावर थ्री बाई टू थ्री पी प्लस एट, बिल्कुल यही आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल 28, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, किसका निकालना, साइन इंटीग्रल का निकालना, तो साइन इंटीग्रल की मैंने डेफिनेशन आपको लिखाई, साइन इंटीग्रल किसके बराबर होता है, एस आई टी किसके बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू टी साइन यू बटे यू इंटू डी यू के बराबर होता है। चलिए इसका इंटीग्रल करने के लिए साइन यू की सीरीज बताना, या साइन एक्स की सीरीज पढ़ी होगी आपने, u माइनस यू क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस यू की पावर 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा 0 टू t साइन u का मान, जैसे 1 बटे u लिख लो पहले, तो ये अलग लिख लो, साइन u का मान बोलो u माइनस यू क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस यू की पावर 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटी इंटू डी यू, यू से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 0 टू टी आ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस इसकी पावर कितनी बच जाएगी यू स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 3 प्लस कितना यू की पावर 4 अपॉन कितना फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट कहाँ तक इन्फिनिटी इंटू डी यू, डिफरेंशिएशन करिए, 1 का डिफरेंशिएशन करिए, 1 का कितना आ जाएगा u आ जाएगा, वो इंटीग्रल करिए इसका, इसका इंटीग्रल कितना आ जाएगा 1 का u आ जाएगा इसका, करिए u क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 तो है ही, और एक 3 भी आ जाएगा, और फैक्टोरियल 3 प्लस कितना आएगा इसका करना u की पावर 5 बटे कितना 5 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट कहाँ तक इन्फिनिटी तक, लिमिट कितनी आ जाएगी 0 टू t, पहले अपर लिमिट रखिए, टी रखना,
टी रखेंगे तो कितना आएगा, टी आ जाएगा यहाँ पे और टी क्यूब अपॉन थ्री रूट थ्री प्लस सॉरी रूट नहीं है फैक्टोरियल है ही, ठीक है। तो यहाँ बोलिए कितना, यू की पावर फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल फाइव, लिमिट कितनी, वो लिमिट तो रख दी, अपर लिमिट तो रख ही दी है, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो यही आएगा। तो इसका हमें निकालना लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो ये साइन टी की वैल्यू आ गई, साइन आई टी की वैल्यू आ गई, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, तो कर लीजिए इतना। टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, एस आई टी का, इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ किसका, वन का वो टी का, और माइनस के कितना, वन अपॉन थ्री अंडर रूट थ्री, लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, टी क्यूब का, प्लस वन अपॉन फाइव फैक्टोरियल फाइव, लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, टी की पावर फाइव का, माइनस डॉट डॉट कहाँ तक, ये इन्फिनिटी। तो टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोलिए, टी का कितना होता है बताइए, फैक्टोरियल वन बटे पी स्क्वायर, कितना होता है इसका, फैक्टोरियल वन बटे कितना, पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन थ्री अंडर रूट थ्री, इसका बोलना फैक्टोरियल थ्री बटे पी की पावर फोर प्लस वन अपॉन फाइव फैक्टोरियल फाइव, बोलो इसका फैक्टोरियल फाइव, ठीक है, अपॉन पी की पावर सिक्स माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो फैक्टोरियल थ्री कट जाएगा और फैक्टोरियल फाइव कैंसिल हो जाएगा, और कॉमन बताना यहाँ से, ठीक है, चलो अभी देखते हैं। तो ये वन अपॉन, चलो पी स्क्वायर लिख लूँ, कितना बचेगा, वन अपॉन थ्री पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन फाइव ओ पी की पावर फोर, और वन अपॉन कितना, पी की पावर कितना, सिक्स डॉट डॉट, यहाँ थ्री है, यहाँ पावर कितनी फोर, यहाँ फाइव है, यहाँ पावर कितनी सिक्स, तो इसमें तुम कॉमन लेना वन अपॉन पी, भाई आने को तो कॉमन कितना आ रहा, वन अपॉन पी स्क्वायर कॉमन आ रहा, फिर भी तुम कितना कॉमन लेना इसमें, वन अपॉन पी कॉमन लेना, तो क्या बचेगा, वन अपॉन पी माइनस वन अपॉन थ्री पी क्यूब प्लस वन अपॉन फाइव पी की पावर फाइव, टेन इनवर्स एक्स की सीरीज याद रखिए, टेन इनवर्स एक्स की सीरीज होती है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो ये भार तो कितना, वन अपॉन पी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, टेन इनवर्स वन अपॉन पी आ जाएगा, ठीक है, करिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल थर्ड ही और करना है, लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इन्होंने एफ टी बराबर ये दे रखा, और लाप्लास किसका निकालना हमें, एफ टी का, और एफ टी का पीरियड कितना दे रखा है इन्होंने, फोर दे रखा। तो कैसा फंक्शन है, पीरियडिक फंक्शन है, और पीरियडिक फंक्शन है तो हम किससे करेंगे इसको, फंडामेंटल थ्योरम से करेंगे, तो लिख देंगे बाय फंडामेंटल थ्योरम, बाय फंडामेंटल
थ्योरम, ठीक है, लाप्लास ऑफ एफ टी निकालना किसके बराबर होता है, इंटीग्रल जितना पीरियड दे रखा जीरो से लेकर कहाँ तक, फोर तक, e की पावर कितना, माइनस पी कैपिटल टी स्मॉल टी, और कितना था एफ टी इंटू डी टी बटे में कितना था, वन माइनस ई की पावर नीचे कैपिटल टी था। तो इस इंटीग्रल को दो जगह ब्रेक कर देना, जीरो से लेकर कहाँ तक, दो तक, और दो से लेकर चार तक। तो ये जीरो से लेकर कितना, दो, फंक्शन थ्री टी लेना, ई की पावर कितना, माइनस पी टी थ्री टी डी टी, एक बार कहाँ से कहाँ तक, दो से लेके चार तक फंक्शन छः लेना, ई की पावर माइनस पी टी इंटू सिक्स इंटू डी टी, चलिए बटे में बोली वन माइनस ई की पावर कितना, भाई टी का मान कितना है फोर, तो फोर पी आ जाएगा ही, फोर पी। इसका इंटीग्रल कर दीजिए, ये फर्स्ट फंक्शन हो रही है, सेकंड फंक्शन थ्री टी को तो ऐसे ही रखना, इसका इंटीग्रल करिए, ई की पावर माइनस पी टी बटे माइनस पी, माइनस आएगा ना, इतने की लिमिट भी तो रख दो, जीरो टू टू, ठीक है, आगे बोलो, माइनस इंटीग्रल जीरो टू टू, पहले का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, थ्री, और ई की पावर टी का, ई की पावर पी टी का दोबारा भी कर देंगे, ई की पावर माइनस पी टी बटे में कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर आ जाएगा, और जीरो टू टू, प्लस का सिक्स करिए इसका, ई की पावर माइनस पी टी बटे माइनस पी, लिमिट कितनी, जीरो से लेके चार तक, और बटे में बोलिए क्या आ जाएगा, ये कितना, वन माइनस ई की पावर माइनस फोर पी, बस लिमिट रख दीजिए आ जाएगा, करिए। तो लिमिट रख दीजिए, टू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सिक्स इंटू ई की पावर माइनस टू पी बटे माइनस पी, लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, तो ये तो इतना ही आ जाएगा, ये इसमें भी रखिए, माइनस थ्री अपॉन कितना पी स्क्वायर, अपर लिमिट रखना, ई की पावर माइनस टू पी, और ई की पावर जीरो हो जाएगा, वन हो जाएगा, वो इसमें रखिए माइनस, वो माइनस ही लिख दो, चलो सिक्स अपॉन कितना पी, लिमिट रखो, अपर लिमिट रखो, अच्छा ये टू टू फोर होगा शायद, है ना, ये लिमिट कितनी थी भाई, लिमिट कितनी थी, ये दो से लेके चार तक तो थी, तो पहले अपर लिमिट रखो, तो ई की पावर माइनस फोर पी, और माइनस ई की पावर माइनस कितना टू पी अपॉन वन माइनस ई की पावर माइनस फोर पी, तो कितना बच गया, ये माइनस के सिक्स अपॉन पी ई की पावर माइनस टू पी, एलसीएम ले लो सारे में, एलसीएम कितना ले सकते हैं, पी स्क्वायर, या ऐसे लिख दो अलग अलग, ठीक है, इसे ऐसा लिख लो, इसे तो लिख दो वन अपॉन वन माइनस ई की पावर कितना माइनस फोर पी, और बाकी को एक साथ लिख दो इसको, माइनस सिक्स अपॉन पी ई की पावर माइनस टू पी माइनस थ्री अपॉन पी स्क्वायर
e की पावर माइनस टू पी माइनस माइनस प्लस थ्री अपॉन पी स्क्वायर माइनस सिक्स अपॉन पी ई की पावर माइनस फोर पी और प्लस सिक्स अपॉन पी ई की पावर माइनस टू पी। कुछ कटता हो तो बता दीजिए, ये माइनस का और ये कैसा प्लस का, ठीक है। तो बस जो बाकी बचा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। इसके आगे के जो लेक्चर आएंगे वो एप्लीकेशन PCM ग्रुप पे आएंगे, इसके आगे के जो सारे लेक्चर आएंगे, ठीक है। तो आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जो एक बुक की फ़ीस होगी आपकी 999 रुपये पर बुक, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9690224488, ठीक है। तो बाकी चलिए नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।